राजस्थान कांग्रेस में राजनीतिक भूचाल का दौर जारी है। पायलट कैंप के वरिष्ठ कांग्रेस विधायक हेमा राम के इस्तीफे ने राजस्थान में 10 महीने से शांत चल रही राजनीति में फिर से राजनीतिक उफान ला दिया है। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर से सचिन पायलट गुट के वरिष्ठ नेता और बाड़मेर गुड़ा मालानिया से विधायक हेमा राम चौधरी के इस्तीफे की खबरों से प्रदेश की राजनीति में तूफान जैसी हलचल होने लगी है। हेमा राम चौधरी ने पत्र के जरिए विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा भेजा है। इससे प्रदेश के सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या फिर से सरकार पर संकट खड़ा होगा। आखिर ऐसे समय में इस्तीफा दिया जाना जब प्रदेश भर में महामारी का संकट खड़ा हो। आखिर हेमा राम चौधरी इससे पहले भी सचिन पायलट गुट के नेता माने जाते रहे हैं। वहीं जाहिर सी बात है कि पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा। वहीं विपक्ष तो इस लड़ाई की फूट का आनंद लेगा ही। भाजपा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा है कि हेमा राम पूर्व मंत्री रह चुके हैं, काफी वरिष्ठ हैं, लेकिन उन्हें पार्टी में क्या सम्मान मिला है ये सभी जानते हैं। उनका इस्तीफा आने का मतलब समझ से बाहर है, पार्टी में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि चौधरी ने हमेशा विधानसभा में सच्चाई का बयान दिया है। उन्होंने विधानसभा में अपने मन की पीड़ा को सदन में रखा था। उन्होंने कहा था कि मुझसे कोई नाराजगी है तो मुझे सजा दो, मेरी जनता को सजा मत दो। उन्होंने कहा कि ऐसे बिरले ही विधायक होंगे जिन्होंने जनता के लिए अपना इस्तीफा दे दिया हो। हेमा राम जी चौधरी के साथ मुझे बहुत लंबे समय तक विधायक रहने का सौभाग्य मिला। इनको मैंने सरकार में मंत्री के रूप में भी देखा, प्रतिपक्ष में प्रतिपक्षी नेता के रूप में देखा, विधायक के रूप में देखा। यह व्यक्ति जब भी विधानसभा में बोला है, विधानसभा का रिकॉर्ड इस बात का साक्षी है, वो कभी बनावटी बात नहीं करता था, जो सच्चाई है उसको लाने का प्रयत्न करता। और अब की बार वो जब से विधायक आया है, जब जब भी विधानसभा में बोला है, उसने अपने मन की पीड़ा इस सदन के रिकॉर्ड पर लाया है। दो ग्रुप बने होंगे, वो एक ग्रुप के साथ होगा, वो एक अलग बात है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी जनता के लिए इस विधानसभा में रिकॉर्ड कराया था कि मेरे से कोई अगर आपको नाराजगी है तो मुझे सजा दे दो, पर मेरी जनता को सजा मत दो। मेरी जनता ने जो सोचकर मुझे विधायक बनाया है, उस जनता की सेवा करना सरकार का धर्म है, और उसकी भी जब पालना नहीं हुई तो उन्होंने हाउस में भी कई बार कहा कि मुझे सदन छोड़ के चले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और आज उन्होंने वही काम किया है। मैं सोचता हूँ ऐसे राजस्थान की विधानसभा में बिरले ही कभी केस हुए होंगे कि कोई विधायक अपनी सदस्यता अपनी जनता की परेशानियों को देखकर और उसका कोई हल नहीं निकालने के कारण से दे रहा है। हेमा राम जी का उदाहरण ये इसी बात का है कि वास्तव में वो किसी भी पार्टी में हो, मेरे पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन विधानसभा में भी उन्होंने अपनी बात को जिस संवेदना से रखी, वही मैंने इस बार देखा है। और उनका ये त्यागपत्र हम सब लोग के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है, जिस पर हम सब लोगों को विचार करना चाहिए। कहने को तो कहा जा रहा है कि मंत्री हरीश चौधरी से नाराजगी, गुड़ा मलानिया विधानसभा में हेमाराम के काम नहीं होना और हाल ही में नियुक्त किए गए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की नियुक्ति में हेमाराम की अनदेखी इसका कारण बनी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे असली कारण तो वो समझौता है जो 10 महीने पहले पायलट कैंप के साथ हुआ था और उस पर बनी कमेटी ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इस पर भी प्रदेश कांग्रेस की 2 दिन पहले हुई वर्चुअल बैठक ने भी आग में घी डालने का काम किया, जिसमें सचिन पायलट को बोलने का मौका नहीं दिया गया। साथ ही मुख्यमंत्री का वो बयान भी जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरी मीटिंग में कहा था कि कोरोना काल में चाहे मेरे पक्ष के हो, विपक्ष हो या फिर मेरे विरोधी, सभी को कोरोना काल में मिलकर काम करना चाहिए। कहा जा रहा है कि हेमाराम के इस्तीफे के पीछे यही कारण है। पंजाब की टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।